दीपावली की सफाई में धनतेरस से पहले घर से अवश्य निकाल फेंके ये चीज वरना घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास माँ लक्ष्मी नहीं करेगी घर में प्रवेश नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों खुशियों और रोशनी के इस त्योहार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है माना जाता है की दीपावली आरोप माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उनके घर आती है लेकिन अगर आपके घर में दीपावली के दौरान ये अशुभ वस्तुएं होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी इसीलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो इसीलिए आप सभी दीपावली ऐसी पहले यहाँ तक की धनतेरस ऐसी भी पहले ही अपने घर ऐसी ये चीजें अवश्य ही निकाल फेंके जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और साल भर धन की कोई कमी ना हो दोस्तों धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है और धनतेरस पर जो तिथि का महत्व है वो त्रयोदशी तिथि का महत्व होता है वो 22 अक्टूबर 2022 को शाम छह बजकर दो मिनट ऐसी लेकर तेईस अक्टूबर को शाम छह बजकर तीन मिनट तक रहेगी आइए तेईस अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम पाँच बजकर चौवालीस मिनट से छह बजकर पाँच मिनट तक रहेगा तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं यानी कि पूजन की कुल अवधि 21 मिनट रहेगी इसके बाद अगले ही दिन 24 अक्टूबर को दीपावली है दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है जो की चौबीस अक्टूबर को शाम छह मिनट ऐसी रात्रि आठ मिनट तक रहेगा इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ काल एक घंटे 21 मिनट का है शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गंदगी होती है उस जगह माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर में दरिद्रता का वास होता है इसीलिए अपने घर में दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है की कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा से घर में संभाल कर रख लेते हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं गरीबी आती है आलस रहता है बीमारी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी भी प्रवेश नहीं करते दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो घर में गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है वो चीज जो आपको धनतेरस से पहले ही घर से बाहर कर देनी है और अगर धनतेरस पर आपने ऐसा नहीं किया है तो कम से कम दिवाली के दिन आप इसे जरूर से अपने घर से बाहर कर दें। दोस्तों सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी कई बार हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी हम उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में रखे रखते हैं लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें आपके घर में भी कोई बंद घड़ी हो चाहे वो दीवार की घड़ी हो चाहे वो हाथ की घड़ी हो उसे या तो धनतेरस से पहले ही ठीक करा ले या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंकें क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक है इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप इस दीपावली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेंकें हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई बार जूते चप्पल तो ऐसे हो जाते हैं कि वो फट ही जाते हैं इतने पुराने हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं फेंकते और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं अगर आपके घर में भी ऐसे ही पुराने जूते चप्पल है तो उन्हें आप दीपावली के त्योहार से पहले सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना ना भूले दोस्तों जिन फटे हुए जूते चप्पल को पुराने जूते चप्पल को आप प्रयोग में नहीं लेते हैं वो जूते चप्पल आपके घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लाते हैं दोस्तों तीसरी चीज है बर्तन हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए बर्तन टूट गए हो या फिर चटक गए हो अगर आपके घर में ऐसे है तो आप इन्हें दीपावली से पहले घर से बाहर निकाल फेंकें क्योंकि टूटे हुए बर्तन चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती दोस्तों चौथी चीज है खंडित मूर्तियाँ कभी भी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए न ही टूटी मूर्तियाँ और फटी हुई भगवान जी की फोटो को घर में रखे शास्त्रों में बताया गया है की भगवान जी की जो मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है उसमें वो भगवान जी का रूप निकल जाता है और वो केवल मूर्ति रह जाती है ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है अगर आपके घर में भी ऐसे भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे तुरंत ही आप अपने घर से निकाल दें अधिकतर लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नई मूर्तियां लेकर आते हैं लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर अपने घर पर ही संभाल कर रख लेते हैं अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो भगवान जी की उन सभी मूर्तियों को आप इस दीपावली से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल दें आप भगवान की इन तस्वीरों को या फिर मूर्तियों को या तो शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर आए या फिर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। माना जाता है कि घर में अगर खंडित मूर्तियां या तस्वीर हो तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है और दोष भी लगता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें तभी देवी लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिल पाएगी दोस्तों अगली चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर लोग टीवी सी प्लेयर फ्रिज आदि खराब होने के बाद भी उसे अपने घर ऐसी बाहर निकाल नहीं फेंकते हैं वो उसे घर में ही किसी कोने में रख देते हैं मगर वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर होता है साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है आपके घर में भी कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो या तो उसे दीपावली से पहले ठीक करा ले या फिर उसे घर से बाहर निकाल फेंके दोस्तों अगली चीज है टूटा हुआ फर्नीचर अगर आपके घर में कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दीपावली से पहले मरम्मत जरूर से करा ले अगर ठीक नहीं हो सकता है तो उसे घर से बाहर निकाल दे वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो यदि पलंग ठीक नहीं है तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंका बढ़ जाती है इसीलिए इस दीपावली से पहले आप अपने घर के फर्नीचर को ठीक करा लें यदि ठीक नहीं हो सकता है तो उसे अवश्य ही घर से बाहर निकाल फेंके दोस्तों और दूसरा घर से खरीद लाए नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहेगी और जहाँ अशांति और कलह होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता अगली चीज है झाड़ू घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए ना ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके घर में झाड़ू टूट गया है तो दीपावली से अच्छा और कोई मौका नहीं है इसे बदलने का तो आप इस दीपावली नई झाड़ू ले आए और पुराना घर से बाहर कर दें। नई झाड़ू जब आप लेकर आए इस दीपावली तो उस पर आप सफेद रंग का धागा जरूर से बांध लें पीछे झाड़ू के हैंडल पर और इसका भी आप पूजन करें रोली और चावल से और उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल में घर में ले सकते हैं तो ये है वो चीजें दोस्तों जो आपको अपने घर से धनतेरस से पहले ही निकाल देनी चाहिए थी लेकिन अगर आपने धनतेरस पर ये काम नहीं किया है तो आप कम से कम दीपावली के दिन इसे कर सकते हैं इन चीजों को घर से बाहर जरूर से कर दें आइए अब जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वो एक खास चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों और वो है केला आपको बता दें कि धनतेरस के दिन केले का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है धनतेरस के दिन अगर आप केला खाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ स्वास्थ्य भी आता है और दोस्तों इससे भगवान गणेश अति प्रश्न होते हैं और भगवान गणेश विघ्न हरता है ये तो सभी को पता है अगर उन्हें आप प्रश्न कर लें तो वो आपके सभी विघ्न हर लेंगे इसीलिए आपको इस दिन केला ज़रूर से खा लेना चाहिए वहीं दोस्तों दीपावली के दिन गन्ने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है आपने देखा होगा दीपावली पर मुख्य द्वार के दोनों ओर गन्ने लगाए जाते हैं इसका कारण ये है कि गन्ने माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं अगर आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों ओर गन्ने लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर दीपावली के दिन प्रवेश करेगी इसी के साथ आपको दीपावली के दिन गन्ना खाना भी जरूर चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं चलिए जान लेते हैं कि क्या वो चीज है जो दीपावली और धनतेरस के दिन खाने की भूल आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों दीपावली का जो ये पाँच दिनों का त्यौहार होता है इन दिनों में बस ये छोटा सा काम आप कर लें आपको बस ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन आपको दीपावली के दिनों में नहीं करना चाहिए दीपावली के अवसर पर आपको मांस मदिरा वैसे तो आपको लहसुन प्याज का, का भी इस्तेमाल नहीं करना है खास कर मांस मदिरा का आप जरूर ऐसी ध्यान रखें गाय को केला इस दिन आप जरूर ऐसी खिलाए इस दिन आप गाय को रोटी खिलाए रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख कर खिलाए और साथ ही गाय को केला खिलाइए इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपको मिलती है दोस्तों अगर आप गाय को रोटी के साथ गुड़ खिला रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि गाय बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए खड़ी अवस्था में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए और दोस्तों वैसे बहुत से लोग गर्मियों में भी गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो आपको बता दूँ की गर्मियों में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए आइए जानते हैं की इस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए तो दोस्तों इस दिन काले रंग के वस्त्र तो गल गलती से भी ना पहने ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें काला रंग अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के शुभ मौके पर काले रंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो ही बेहतर है वही दोस्तों रंग बिरंगे नए धुले हुए साफ वस्त्र आप कोई भी रंग के पहन सकते हैं बस काला रंग ना हो चटक काला नहीं होना चाहिए कई बार आजकल मल्टी कलर का फैशन है थोड़ा बहुत काला रंग होता है आपकी ड्रेस में तो वो चलेगा लेकिन पूरे तरीके से काला रंग है तो वो आपको नहीं पहनना चाहिए कपड़ों में इसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े पहनिए और इस बात का ख्याल रखे की नए धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए और कपड़े आपके कहीं से भी फटे हुए या फिर थोड़ी बहुत सिलाई उनकी उधड़ी हुई है तो उन्हें ठीक करवा के ही आप पहनिए तो इस दिन आपको साफ और शुद्ध वस्त्र ही पहनने चाहिए धनतेरस की रात यम के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए यम का दीपक घर में अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है परिवार की सुख शांति के लिए अकाल मृत्यु ना हो घर में इसके लिए आपको रात के समय यम के नाम का दीपक लगाना चाहिए और इस दीपक में आपको कोड़ी और सिक्का जरूर से डालना चाहिए दोस्तों एक रुपए का सिक्का और एक कोड़ी आप इसके अंदर जरूर से डाल लीजिए दोस्तों धनतेरस और दीपावली की रात ये छोटा सा उपाय आपको माला माल बना सकता है कौन सा है वो उपाय चलिए जान लेते हैं आपको क्या करना है आपको बस ये करना है कि तुलसी में आपको जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर डालना है और दीपक में एक कपूर डाल करके और साथ ही एक सुपारी और एक का सिक्का डालकर वो दीपक आपको तुलसी के पास रख देना है बस ये छोटा सा काम कर दीजिए और देखिए दोस्तों किस तरीके से आपके घर में पूरा वर्ष धन की बरकत होगी क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और रात के समय आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी तो आप दीपावली की रात में तुलसी में ये एक छोटा सा काम जरूर से कर तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी को दीपावली